दानवीर सूर्य पुत्र कर्ण का विजय धनुष, जिसकी प्रत्यंचा भगवान शिव का पशुपतास्त्र भी नहीं काट सकता था। इतना शक्तिशाली धनुष होने के बावजूद सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण आखिर इस धनुष का इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे? आखिर क्यों वो इस धनुष को सबसे छुपा कर रखते थे? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जब जब महाभारत की बात की जाती है, तब तब सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन के युद्ध की बात भी की जाती है। कर्ण के पास परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था, तो वहीं अर्जुन के पास मायासुर या अग्निदेव द्वारा दिया गया गांडीव धनुष। दोनों के ही तरकश में सभी तरह के दिव्यास्त्र थे, लेकिन कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव धनुष से कहीं ज्यादा बेहतर और शक्तिशाली था। जब सूर्य पुत्र कर्ण का विजय धनुष इतना शक्तिशाली था, तो आखिर वो इस विजय धनुष का इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे और दूसरों से छुपाकर क्यों रखते थे? कहते हैं कर्ण के विजय धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था जो किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न करते थे। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बन जाता जिसे भगवान शिव का पशुपतास्त्र भी नहीं भेद सकता था। विजय धनुष की तरकश को कोई भी अस्त्र शस्त्र या दिव्यास्त्र नहीं काट सकता था। कहते हैं इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ताड़कासुर राक्षस के तीन पुत्रों की नगरी यानी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पशुपतास्त्र चलाकर तीनों नगरियों को एक साथ ध्वंस किया था। उन तीनों असुरों की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दिया। देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में परशुराम ने हैयवंशी क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे यह धनुष मांगा, तो भगवान शंकर ने इस धनुष को इंद्र से लेकर परशुराम जी को दिया। फिर जब कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम से धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त की, तब परशुराम जी को इसका पता चला। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो अकेला पड़ जाएगा और अपनी सारी शक्तियां भूल जाएगा जिस वक्त उसे इन शक्तियों की अधिक आवश्यकता होगी। फिर बाद में परशुराम जी को दया आई, तो उन्होंने विजय धनुष देकर आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी अमित प्रसिद्धि रहेगी। कहते हैं कि कर्ण इस विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं करते थे, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। कहते थे विजय धनुष के अंदर ऐसी खूबी थी कि मात्र किसी भी दिव्यास्त्र के इसके साथ प्रयोग करने से दिव्यास्त्र की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती थी। कर्ण ने अपने पूरे जीवन काल में इस विजय धनुष का इस्तेमाल कभी नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी साधारण मनुष्य इस विजय धनुष की टंकार को भी नहीं सह सकता है, और अगर इसके साथ किसी दिव्यास्त्र का प्रयोग किया जाए फिर तो विनाश पक्का है। अपने पूरे जीवन काल में कर्ण ने कभी भी विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने विजय धनुष को हमेशा छुपा कर रखा था। लेकिन जब महाभारत के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, तब उन्होंने विजय धनुष का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वही एक ऐसा युद्ध था जो एक निर्णायक स्थिति को पैदा करता था, यानी कि या तो अर्जुन जीवित रहेंगे या तो कर्ण। तो दोस्तों यही एक वजह थी जिस वजह से कर्ण हमेशा विजय धनुष को छुपा कर रखते थे और कभी भी इसका उपयोग नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ महाभारत के 17वें दिन उन्होंने इस धनुष का इस्तेमाल किया था। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या अपने पूरे जीवन काल में कर्ण को इस विजय धनुष का इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं, या उन्होंने जो किया वो सही किया? आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।